Hi viewers, आज मैंने जावा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन की जा सकती है मैं जानकारी दे देता हूँ। गूगल ब्राउजर सर्च करने के लिए ओपन करने के बाद आप टाइप करिए JDK 8 फॉर विंडोज 7 32 बिट या नहीं 64 बिट। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट यानी 32 बिट का सपोर्ट करता है वही वहां पर टाइप करना होता है। मेरे लैपटॉप में मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 64 बिट का है, मैं विंडोज 7 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता हूँ। यह एंटर की दबाने के बाद ये पेज आपको दिखाई देगा, यहाँ पर वो क्लिक करना है लिंक जावा एसी डेवलपमेंट किट के ऊपर। देखिए ये ब्राउज हो जाएगा पेज, यहाँ पर देखिए दो तरह के सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करने के लिए, वो एक है और यहाँ एक है, ये दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। पहले ये एक्सेप्ट लाइसेंस अग्रीमेंट है वो क्लिक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उसके बाद वो क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप JDK 82172 करना चाहते हो उसी भी एक्सेप्ट लाइसेंस अग्रीमेंट करना पड़ता है और विंडोज 64 बिट का डाउनलोड करना पड़ता है। देखिए ये डाउनलोड होने के लिए 8 मिनट से 10 मिनट तक टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखा हूँ। डी ड्राइव में फोल्डर में है वो JDK, वो दबा देना है, डबल क्लिक करना है, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस के लिए। जावा इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट दबा दीजिए और एक नेक्स्ट दबा दीजिए, प्रोसेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर
हमें नेक्स्ट दबा सकते हो या नहीं, दूसरे डायरेक्टरी में डेस्टिनेशन फोल्डर में चेंज करना चाहते हो, चेंज भी दबा सकते हो। मैं नेक्स्ट दबा देता हूँ, मैं वही फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इंस्टॉलेशन जारी है। ये विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सेवन के ऑपरेटिंग सिस्टम जरिए ये कॉन्फ़िगर होना है, इसलिए थोड़ा इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। सपोर्टिंग फाइल जो कुछ है वो कॉन्फ़िगर होता रहता है, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। ग्रीन कलर का स्ट्रिप पूरा वहां तक पहुंचना चाहिए, 100% तक। इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी जारी है। अभी थोड़ा सा स्टेप बाकी है, हमारा जावा प्रोग्राम यानी जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। क्लोज कर दीजिए। अब हमें पाथ देना पड़ता है। जावा प्रोग्राम जो कुछ लिखते हैं अपन वो एग्जीक्यूट करने के लिए जावा पाथ सेट करना है। मैं बता देता हूँ जावा पाथ कैसा सेट होता है। कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, वहाँ क्लिक कर दीजिए। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल दिखेगा, वो क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर पाथ देना पड़ता है, यूजर वेरिएबल देना पड़ता है और सिस्टम वेरिएबल देना पड़ता है। अब हमारे जावा प्रोग्राम इंस्टॉलेशन किसी पाथ में है वही पाथ देना पड़ता है। यहाँ पाथ में ढूंढ रहा हूँ जेडीके बिन, और वहां पर क्लिक करके कंट्रोल से दबाना है कॉपी करने के लिए। और ये यूजर वेरिएबल है वो न्यू दबा दीजिए। ये पाथ सेटिंग है, यहाँ पर पाथ टाइप कर दीजिए, वेरिएबल नेम है पाथ और वेरिएबल वैल है, पेस्ट करना है कॉपी करें सो, और ओके कर दीजिए। और सिस्टम वेरिएबल्स में जाए वही कर दीजिए, वेरिएबल नेम है पाथ और वेरिएबल वैल्यू है पाथ है, पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए और एक बार ओके कर दीजिए। ये पाथ यहाँ पर सेट हो गया है। अभी चेक करेंगे पाथ एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं।
cmd टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट है, वहाँ पर रन एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करना है, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, ब्राउज हो गया। यहाँ पर हमें जावा सी टाइप करना है, वो जावा प्रोग्राम कंपाइल करने का कमांड है। देखिए पूरा ऑप्शंस आ गया है, इसका मतलब है कि वो ठीक तरह से एग्जिट हो रहा है। इसके बाद डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जिट होना चाहिए। सो हमारा जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया है।